हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीजे शरीफ का द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में जितने भी यूरोपियन फुटबॉल फैंस हैं एंड पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस के लिए एक बेहतरीन खबर आ रही है। मैनचेस्टर यूनाइटेड आगे आने वाले टाइम में इंडिया में आके अपना प्री सीजन टूर कर सकती है। जी गाइस, आप बिल्कुल सही सुन रहे हो। एज पर द गार्डियन रिपोर्ट, मैनचेस्टर यूनाइटेड के जो एट द मोमेंट शर्ट स्पॉन्सर है क्वालकॉम, उनके चीफ मार्केटिंग ऑफिसर ने रिसेंट एक इंटरव्यू में बोला है कि डेफिनेटली इन अपकमिंग ईयर्स वी विल एक्सप्लोर चाइना एंड इंडियन मार्केट, एंड वहां पे जो मैनचेस्टर यूनाइटेड का फैन बेस है एंड जिस तरह का फैन फॉलोइंग है उसको देखते हुए डेफिनेटली वहां पे हम एक इस तरह का प्रीसीजन टूर टाइप कर सकते हैं। सो दैट्स दी बिग न्यूज फॉर दी यू कैन से पर्टिकुलरली मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस इन इंडिया। नाम सबको पता है कि यूरोपियन फुटबॉल का कितना ज्यादा फैन बेस इंडिया में है। सो दैट्स दी बिग बिग न्यूज, बट लेट्स सी, यहाँ पे इस सीजन तो कोई चांसेस नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट सीजन या फिर किस तरह से सारी चीजें प्लान आउट होती है, एट द मोमेंट तो जस्ट उन्होंने एक आइडिया रखा है। लेट्स सी कब तक ये एग्जीक्यूशन होता है, क्योंकि इससे पहले भी काफी और क्लबों के रिलेटेड भी ऐसी न्यूज आई है, बट अभी तक वो उस तरह का प्री सीजन टूर इंडिया में किसी भी यूरोपियन क्लब ने उस तरह से प्लान नहीं कर पाया है। सो देखते हैं आगे आने वाले टाइम में कब तक ये प्लान होता है एंड कब तक ये रियलिटी बनता है। अगर ये रियलिटी बनता है डेफिनेटली यहाँ पे इंडिया में जो यूनाइटेड फैंस एंड यूरोपियन फुटबॉल फैंस है उनके लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी होगी कि अपने जो प्लेयर को फॉलो कर रहे हैं उनको लाइव देखने का। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज। लेट मी नो गाइस आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट अब बात करते हैं इंडियन फुटबॉल के बारे में। तो AIFF के प्रेसिडेंट मिस्टर कल्याण चौबे ने रिसेंटली दिल्ली में एक इवेंट के दौरान इंडिया के जो मेंस एंड वुमेन्स के जो सीनियर प्लेयर्स है, मेंस में संदेश चिंगान, आपके अमरिंदर सिंह, जय गुप्ता हो गए, एम ए रानावड़े हो गए, एंड वुमेन्स प्लेयरों में डालिमा चीबर, अर्षालता देवी, अंजू तमा और उन सबसे यहाँ पे एक इनफॉर्मल इस इवेंट के दौरान मीटिंग की थी और उनसे उनके सजेशन लिए कि भाई मेंस एंड वुमेन्स की जो सीनियर टीम है उसमें क्या क्या चीजें इंप्रूव की जा सकती है, ओवरऑल इंडियन फुटबॉल में क्या क्या चीजें इंप्रूव हो सकती है उसके रिगार्डिंग एक इनफॉर्मल मीटिंग इन दोनों टीमों के प्लेयरों के साथ की, जिसमें संजय सिंघा ने बोला कि इट्स ग्रेट टू मीट AIFF प्रेसिडेंट एंड हमारे जो थॉट्स हमने उनके साथ शेयर किए हैं। सेम यहाँ पे वुमेन्स टीम की जो डालिमा चीबर है उन्होंने भी बोला कि हम पहली बार हम यहाँ पे प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, हमने अपने थॉट्स को शेयर किया है, सारी चीजें की, तो एक फ्रूटफुल डिस्कशन हुआ है। रिसेंटली हमने देखा है कि कल्याण चौबे ने इस तरह के मतलब आपके नए कोच के साथ भी डिस्कशन किया है, बाकी डिस्कशन भी वो करते हुए दिख रहे हैं। सो काफी सारे सुझाव ले रहे हैं, बट इसका एग्जीक्यूशन कब तक होता है, किस तरह का वो प्लान यहाँ पे इंडियन फुटबॉल के लिए लेके आते हैं और किस तरह से एग्जीक्यूट करते हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सिर्फ डिस्कशन से हम सबको पता है कि इंडियन फुटबॉल में वही होता रहा है, डिस्कशन ही कभी उसका एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है। सो देखते हैं आगे क्या कोई प्लान है या फिर सिर्फ ये यहाँ पे एक डिस्कशन के तौर पे ही है, वो देखना इंटरेस्टिंग सा बन जाएगा। लेट मी नो गाइस आप क्या थॉट्स है इसके बारे में, जरूर कमेंट सेक्शन में बताइए। अब बात करते हैं दुरान कप के बारे में। एंड कल भाई यहाँ पे BFC पहली टीम बन चुकी है इस सीजन की, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में धमाकेदार तरीके से एंट्री की है एंड 3-2 से भाई कल उन्होंने मोहम्मद अनेसी को हराया, जहाँ पे 10 मैन डाउन थी मोहम्मद अनेसी, उन्होंने लास्ट में फाइट जरूर दिखाई, बट ग्रेट विक्ट्री फॉर BFC एंड तीनों ही अपने ग्रुप स्टेज के मैचेस उन्होंने जीत लिए हैं एंड उसमें भी विनीत वेंकटेश का पहला गोल अपने क्लब के लिए, व्हाट अ स्टोरी एंड व्हाट अ ब्रिलियंट प्लेयर ही इज एंड काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। सो दैट्स अ ग्रेट न्यूज फॉर इंडियन फुटबॉल एंड ऑल्सो फॉर BFC, बट वेरी गुड स्टार्ट फॉर BFC एंड क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपनी जगह पक्की कर ली है। दूसरे मैच में बोडोलैंड FC ने भाई ODISHA FC को 2-0 से हराया है, सो दैट्स अ ग्रेट रिजल्ट फॉर बोडोलैंड FC एंड ODISHA FC के लिए थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में मतलब शुरुआत की थी, उसके बाद यहाँ पे एक डीप आया है, बट लेट्स सी अपना लास्ट मैच में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं एंड क्या वो नेक्स्ट राउंड में या फिर क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई होते हैं वो देखना इंटरेस्टिंग हो जाएगा। आज के मैच की बात करें तो आज यहाँ पे इंडियन आर्मी टेक ऑन करने जा रही है आसाम राइफल्स को एंड दूसरा मैच जो ईस्ट बंगाल वर्सेस डाउनटाउन हीरोज का है वो काफी इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर ईस्ट बंगाल डाउनटाउन हीरोज को हरा देती है एंड मोहन बगान भी अपना नेक्स्ट मैच जीत जाती है, देन ईस्ट बंगाल वर्सेस मोहन बगान की जो कोलकाता डर्बी होगी इवेंचुअली वो यहाँ पे आपका नॉकआउट मैच बन जाएगी एंड हूएवर विंस माइट बी हैव अ चांस, और सेकंड पे भी देखना पड़ेगा कि किस तरह की पॉइंट्स है उनके ऊपर, मे बी दोनों भी क्वालिफाई हो सकते हैं, तो इट्स गोइंग टू बी एक्साइटिंग। लेट मी नो गाइस आपके क्या प्रेडिक्शन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं मेघालय फुटबॉल के बारे में। तो रिसेंटली मेघालय के CM कॉनराड सांगवा ने यहाँ पे मिशन फुटबॉल 2.0 स्कीम लॉन्च किया है, जिसके तहत यहाँ पे जो भी एलिट क्लब है मेघालय से उनको 3 करोड़ तक का असिस्टेंट एंड बाकी जो ग्रास रूट एंड बाकी क्लब से उनके लिए यहाँ पे 15 लाख का असिस्टेंट उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है। उसके अलावा रिसेंटली हमने देखा कि मिशन फुटबॉल 1.0 था उसके चलते आपने चैलेंज स्टेडियम का रिनोवेशन देखा, बाकी सारी चीजें भी वो वहाँ पे काफी सारी अच्छी कर रहे हैं, और 2.0 में सिर्फ ऐसा नहीं कि क्लब को असिस्टेंट देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप और करना है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC के साथ उन्होंने एक डील साइन की है कि जिसके चलते रेसिडेंशियल एकेडमी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बाकी सारी चीजें हैं
उनको भी वो इम्प्रूव करना चाहते हैं। एंड रिसेंटली हमने मेघालय फुटबॉल का परफॉर्मेंस भी आप देखे कि उन्होंने संतोष ट्रॉफी के फाइनल तक पहुंचे थे। तो ये काफी ज्यादा मेघालय में भी फुटबॉल की जो एक्टिविटी है धीरे धीरे और ज्यादा ग्रो हो रही है। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, क्योंकि पोटेंशियल भी है जिस तरह के वहां पे क्लब्स है। आई थिंक दे हैव ए वेरी गुड फ्यूचर और सिमिलर लाइक फ्यूचर ऑफ यू कह सकते मणिपुर मिजोरम जिस तरह से काम कर रहा है उसी तरह से हमें मेघालय से भी और भी ज्यादा प्लेयर प्रोड्यूस होते हुए आगे आने वाले टाइम में डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इसी तरह से अगर वहां पे स्टेट ने फुटबॉल को सपोर्ट किया। सो उसमें कोई डाउट नहीं है। लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफर्स के बारे में। एंड ट्रांसफर्स में भी रहीम अली एक इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट अभी इंडियन प्लेयरों के हिसाब से देखे तो बचे हैं कि जिसका फ्यूचर अभी भी अनडिसाइडेड है। जिसमें उनके दो लिंक आ रहे हैं, एक तो ओडिशा एफसी के साथ एंड दूसरा वो यहाँ पे चेन्नई एनएमसी में ही रुकेंगे। ये दो ही पॉसिबिलिटीज एट द मोमेंट एज पर दी मीडिया रूमर्स आप बोल सकते हैं कि आ रही है कि या तो वो ओडिशा एफसी में जाएंगे या फिर वो चेन्नई एनएफसी में ही रुक जाएंगे। दैट वुड बी इंटरेस्टिंग डिसीजन बिकॉज अगर हम ओडिशा एफसी की बात करें तो उनके पास भी दो जबरदस्त फॉरन स्ट्राइकर है, रोहित कृष्णा एंड डिएगो मॉरिशियो। सो वहां पे कितना गेम टाइम मिलेगा। एंड चेन्नई एनएफसी में भी उनके पास दो यहाँ पे फॉरन स्ट्राइकर है। सो आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग डिसीजन बट लेट्स सी कहाँ पे हो एट द एंड ऑफ द डे। फिनिश करते हैं दूसरी साइड गोकुलम केरला जो आई लीग का क्लब है उन्होंने यहाँ पे फॉर्मर बार्सिलोना बी प्लेयर इग्नेशियो एबेल्डो उनको यहाँ पे साइन कर लिया है, 28 ईयर ओल्ड विंगर कम स्ट्राइकर। तो दैट्स द इंटरेस्टिंग साइनिंग फ्रॉम गोकुलम केरला। धीरे धीरे आई लीग क्लब्स भी यहाँ पे साइनिंग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी साइड सैदी डेक्कन ने अपने नए कोच का यहाँ पे अपकमिंग सीजन के लिए अनाउंसमेंट कर दिया है। फॉर्मर गोकुलम एफसी कोच डोमिंगो रामस को उन्होंने साइन किया, स्पेनिश कोच एक्सपीरियंस है इंडियन फुटबॉल का, आई लीग का पर्टिकुलरली। सो लेट्स सी उनके अंदर क्या वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन आईएसएल के लिए क्वालिफाई होते हैं, प्रमोट होते हैं कि नहीं, दैट वुड बी इंटरेस्टिंग टू सी। एंड उसके अलावा सैदी डेक्कन ने यहाँ पे अपने किड स्पॉन्सर के तौर पे ह्यूमेल के साथ एक ब्रांड डील साइन किया, दैट्स आल्सो गुड। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान यूनाइटेड का। रिसेंटली हम सबको बताया कि सराची ग्रुप के साथ जो इन्वेस्टमेंट डील था वो लास्ट मोमेंट पे फॉलो हो गया था। तो उसके बाद अब ये रिपोर्ट आ रही है एज पर दी रेव स्पोर्ट की भाई सराची ग्रुप यहाँ पे राजस्थान यूनाइटेड के ऊपर कंप्लेन करने वाला है, लीगल एक्शन लेने वाला है एंड एएफएफ में भी वो कंप्लेन करने वाला है। उसके अलावा उन्होंने एक चीज और बोली है कि सांची ग्रुप और भी ज्यादा आगे आने वाले टाइम में इंडियन फुटबॉल में इन्वेस्ट करने के लिए कमिटेड है। सो एक बात यह समझ में नहीं आ रही कि ऑलरेडी उन्होंने मोहम्मद अनेसी में इन्वेस्ट कर दिया है, ईस्ट बंगाल की वुमेन्स टीम में भी उनका इन्वेस्टमेंट है एंड आगे भी अगर किसी और क्लब में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं देन इट्स अ क्लियर कट यू कैन सी की कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। और उससे पहले भी ईस्ट बंगाल और मोहम्मद अनेसी में जो उन्होंने इन्वेस्ट किया वो भी वही है, चाहे वो उनकी भली वुमेन्स टीम हो बट एंटिटी तो एक ही है। बट इंडियन फुटबॉल में हम सबको पता है कि ये सारी चीजें अलाउ की जाती है, रूल्स का तो हमको पता है कि किस तरह से यहाँ पे फॉलो किया जाता है, वो प्रोफेशनलिज्म की बिल्कुल कोई चीज नहीं होती। और एट द एंड ऑफ द डे जब कोई यहाँ पे कॉन्ट्रोवर्सी या फिर कोई लफड़ा होता है तब सारी चीजें फिर निकल के आती है। तो दैट्स इंडियन फुटबॉल फॉर यू। बट लेट मी नो गाइस व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब लास्ट में बात करते हैं मोहन बगान सुपर जायंट के बारे में, क्योंकि उनके लिए थोड़ी सी यहाँ पे कंसर्निंग न्यूज आ रही है। रिसेंटली उन्होंने धीरज सिंह को एज अ गोलकीपर साइन किया था जो कि यहाँ पे ट्रेनिंग के दौरान इंजर्ड हो चुके हैं एंड दौरान तब से वो अब यहाँ पे आउट हो चुके हैं और उसकी जगह पे रिप्लेसमेंट उनके जो बी टीम के गोलकीपर है उनको लाया जा रहा है। बट दैट्स द बैड न्यूज फॉर धीरज सिंह ऑल्सो एंड फॉर मोहन बगान ऑल्सो, क्योंकि वो चाहते थे कि अपने जो धोनी फर्स्ट चॉइस गोलकीपर हो विशाल कैथ एंड सेकंड धीरज सिंह वो यहाँ पे फुली फिट हो जाए फॉर बोथ द टूर्नामेंट, चाहे वो SCL 2 हो या फिर ISL, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी क्योंकि इस तरह के हाई इंटेंसिटी मैच में अगर कोई ऊपर नीचे हुआ तो आपके पास अगर क्वालिटी बैकअप है तो काफी ज्यादा अच्छा यहाँ पे हो जाता है। उसके अलावा जेमी मैकलरन ने यहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी है बट आई थिंक थोड़ा सा वो भी अभी उनका भी थोड़ा सा इंजरी का निगल ऐसा कुछ इश्यू है तो उसके चलते उन्होंने अभी फुल्ली यहाँ पे बॉल के साथ ट्रेनिंग स्टार्ट नहीं की है। एंड उसके अलावा ग्रेग स्टुअर्ट का भी सेम है, उनको भी थोड़ा सा पेन में दिख रहे थे बट लेट होप सो कि वो यहाँ पे जल्द से जल्द फिट हो जाए बिफोर दी कोलकाता डर्बी, तो मजा आ जाएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइस रिगार्डिंग टुडेस इंडियन फुटबॉल न्यूज। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद जय भारत।